अधिकृत उम्मीदवार है उनके रैली में सम्मिलित होने के लिए आज मैं इधर आया हूँ। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि अयोध्या नगरी राम मंदिर के माध्यम से पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बहुत सालों की हमारे हिंदू समाज की मांग थी कि भाई राम मंदिर अयोध्या में होना चाहिए, ये राम जन्मभूमि है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मुस्लिम समाज ने भी मतलब इसका ज़्यादा विरोध ना करते हुए कोर्ट के फैसले को मान्यता देते हुए मतलब सभी के सहमति से ये काम हो रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में जो काम हुआ है, हमारे जो बैंक में अकाउंट हमारे आम आदमी के कम से कम 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में खुले हैं, कम से कम 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा लोन का फायदा हुआ है, कम से कम 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मतलब गैस सिलेंडर में मिला है। और उसके साथ साथ जो आवास योजना है ग्रामीण और शहरी आवास योजना, उसमें कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम बहुत विकास गति हो रहा है, रोड के काम बहुत तेज़ी से हो रही है, नितिन गडकरी के माध्यम से नेशनल हाईवेज 4 लेन 6 लेन हो रहे हैं। राज्य सरकार के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ का गुंडा राज खत्म कर दिया है और मतलब यहाँ के लोगों को बहुत सारी मदद हो चुकी है। इसीलिए सर 2017 में बीजेपी के 312 MLA चुनकर आए थे, उसी तरह इस बार भी मतलब 300 पार करने की भूमिका अपनी बीजेपी की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी कोशिश कर रहे हैं और योगी जी के नेतृत्व में मतलब यहाँ अच्छा विकास हुआ है, यहाँ माइनॉरिटी के लोगों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। जो योजनाएं सरकार की थी उसका फायदा माइनॉरिटी को भी हुआ है, सभी लोगों को हुआ है। हमारे सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है और इसीलिए ब्राह्मीण हो या दूसरे जाट हो, जो मतलब हमारे सवर्ण कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी शिक्षा में नौकरियों में रिजर्वेशन मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश का गति से विकास हो रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को साथ देंगे। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है RPI है, RPI ने भी निर्णय ले लिया है कि बहुजन समाज पार्टी ने दलितों का वोट लिया लेकिन दलितों का भला करने में मायावती को सफलता मिली नहीं है। मायावती जी मतलब राजनीति करती है लेकिन समाज नीति नहीं करती है।